फार्म से आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार मौल जी आए हैं देवगांव में। आप देख सकते हैं फ्रेम में देसी बकरियों को टीकाकरण हो रहा है। देसी के साथ साथ बीटेल बकरी भी आई हुई है। डॉक्टर साहब के गोट फार्म से ही मैं अभी दिखाती हूँ। ये है बीटेल बकरी जो डॉक्टर साहब के गोट फार्म से आई हुई है और इसका दाम है 29,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं अभी इसका भी टीकाकरण हुआ है। तो देसी के साथ साथ ये बड़ी जाति की भी बकरियां रखना शुरू किए हैं। अभी ये बीटेल यानी कि एक बकरी से स्टार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हम बकरी का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अच्छी प्रजाति में करें। तो इन्होंने देसी तो रखा ही था लेकिन डॉक्टर साहब का जब डायरेक्शन मिला तो बीटेल से भी स्टार्टिंग इन्होंने शुरुआत कर दी है। जैसा कि अंकल जी आप ज़रा 2 मिनट कुछ बता दीजिए कि कब से क्या कर रहे हैं, बकरियों का क्या एक्सपीरियंस है? बकरियों का तो अभी स्टार्ट किए हैं। कैसा लग रहा है आपको बकरियों को? ये तो अच्छा लग रहा है। हाँ, 1 साल हो गया करते हुए। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब से लेके आए हैं बकरी। देख रहे हैं उसके ऊपर। तो काफ़ी अच्छा स्पेस भी है, देख सकते हैं घूमने टहलने के लिए सरकारी आवास है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बकरियाँ इस जगह को यूटिलाइज कर सकती हैं, आप देख सकते हैं। और अभी डॉक्टर साहब टीकाकरण कर रहे हैं। टीका लगाना उतना ही अनिवार्य है जितना कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम आगे अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। जब हमारी बकरियां बचेंगी स्वस्थ रहेंगी तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, अन्यथा बीमार होती जाएंगी मरती जाएंगी तो बिजनेस डेवलप नहीं हो पाएगा। और यहां से अभी फिर निकलेंगे सौरेजी। सौरेजी राम रूप एक गांव है, वहां पर भी इसी तरह से टीकाकरण करना है। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब हमेशा तत्पर रहते हैं अपने किसानों के लिए। जितने भी गोट फार्मर हैं उनके सेवा के लिए जब भी उनका फ़ोन आए या उनको ट्रीटमेंट बताना हुआ या फिर कोई राय लेना हुआ बकरियों से रिलेटेड तो डॉक्टर साहब हमेशा तैयार रहते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, इसके आगे भी मैं दिखाती हूँ। देख सकते हैं ऐसी बकरी को टीका लगा।